चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की आज बैठक होगी और मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की ओर से यह जानकारी दी गई है। प्रोजेक्ट भवन में आयोजित होने वाली इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है और इसमें सावित्री बाई फूलो किशोरी समृद्धि योजना का लाभ निजी स्कूलों की आठवीं कक्षा की छात्राओं को भी देने का निर्णय हो सकता है। ये उन्हें मिल सकता है जो शिक्षा के अधिकार के तहत नामांकित हैं और इसके अलावे मिशन शक्ति के तहत केंद्र प्रायोजित, आपको बता दें कि पालन योजना के क्रियान्वयन की स्वीकृति मिल सकती है और साथ ही मुख्यमंत्री ट्रांसजेंडर तृतीय लिंग पेंशन और योजना के संबंध में देखिए ये प्रस्ताव है। और वहीं राज्य में रेप एवं पोक्सो से संबंधित मामलों में निष्पादन के लिए 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट का संचालन अब राज्य सरकार के स्तर के करने का निर्णय लिया जा सकता है। तो इन तमाम चीजों पर देखिए आज की इस कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया जा सकता है। वहीं रांची में एसटी छात्रों के लिए 520 साक्षा और छात्राओं के लिए 528 साक्षा के छात्रवास के निर्माण से जुड़े प्रस्ताव पर भी फैसला संभव है। वहीं हाईकोर्ट के न्यायाधीश पर 1991 के चंडीग्रस्त जनगणना कर्मियों को समायोजन करने पर फैसला हो सकता है। वहीं देखिए जेपीएससी की परीक्षाओं और साक्षात्कार के लिए विशेषज्ञों को 29.52 करोड़ का भुगतान करने पर देखिए ये फैसला लिया जा सकता है। ये तमाम अहम चीजें हैं जो कैबिनेट की बैठक में इस पर देखिए मुहर लग सकती है, इस पर संभावनाएं जताई जा रही है। तो हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में देखिए आज कैबिनेट की बैठक और ये वो तमाम महत्वपूर्ण चीजें जिस पर इस बैठक में चर्चाएं हो सकती हैं और मुहर भी लग सकती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।